हेलो, वेलकम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी टू अनदर सेशन ऑफ पॉलिटी एट परचम क्लासेस। लास्ट लेक्चर में जो हमने लिया था दैट वाज ऑन मोशंस इन द पार्लियामेंट, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ अलग टाइप के मोशंस पढ़ेंगे, कुछ डिफरेंट मोशंस और हैं जो उनका हमें कवर करने हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे यूथ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर फॉर पासिंग अ बिल इन पार्लियामेंट, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे आज की क्लास में। सो लेट अस जंप टू दी क्लास। एक बार देख लेते क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ ऑर्डर, हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, स्पेशल मेंशन, रेजोल्यूशन, यूथ पार्लियामेंट क्या होती है और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट फॉर पासिंग अ बिल का एक पार्ट आज हम कंप्लीट करेंगे। तो ये आज का ओवरव्यू है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ये सब एक टाइप के मोशंस ही हैं। डिस्कशन है ना, डिस्कशन, तो डिस्कशन मोशन क्या होता है? मोशन इज द प्रपोजल फॉर डिस्कशन, तो वो ही हैं, टाइप्स ऑफ मोशन है, पर बुक में अलग अलग तरीके से दिए गए हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ये मोशन का ही एक टाइप है जो कि यूज किया जाता है, बट मेन मोशंस थे उनको हम पूरी तरीके से कर चुके हैं, ये कुछ छोटे मोटे और हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर, तो अ मेंबर कैन रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर इफ ही फील्स दैट द हाउस डज नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल्स ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द हाउस। तो कभी भी किसी मेंबर को ऐसा लगता है कि हाउस के रूल्स प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं हो रहे हैं, तरीके से जो लिखा हुआ है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में वो फॉलो नहीं हो पा रहा, तो उसके अगेंस्ट वो क्या कर सकता है? वो कभी भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर सकता है। क्लियर है बात? तो जब भी उसे लगेगा कि हाउस नॉर्मल प्रोसीडिंग्स, जो प्रोसीडिंग्स हाउस की होती है वो नॉर्मल तरीके से नहीं चल रही हैं, कुछ उलट पुलट हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है? वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर सकता है। जैसे सपोज करो कोई ऐसा बिल था जिसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हमें एक्सपेंस करना था, खर्चा करना था, और स्पीकर साहब ने उस बिल को मनी बिल न मान के क्या मान लिया? उसको ऑर्डिनरी बिल मान लिया, उसको ऑर्डिनरी बिल की तरह इंट्रोड्यूस करने के लिए बोल दिया। तो हमें ये पता है, और नहीं पता है तो आने वाली क्लास में आपको पता पड़ जाएगा, कि जब भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी एक्सपेंडिचर होगा तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ मनी बिल। उसे क्या मानेंगे? हम मनी बिल मानेंगे। लेकिन मनी बिल का डिसाइड करना किसका प्रेरोगेटिव है? वो स्पीकर का है। स्पीकर डिसाइड करता है कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है। तो इस मनी बिल को, जो कि मनी बिल होना चाहिए था, अगर स्पीकर ने इसको ऑर्डिनरी बिल की तरह इंट्रोड्यूस करा है तो ये कंसेप्चुअली तो गलत है, लेकिन स्पीकर के पास पूरी पावर है। तो कोई भी मेंबर अपोजिशन का या कोई भी मेंबर उठ के, क्योंकि जिस पार्टी का है वो तो अपोज करेगा नहीं, अपोजिशन पार्टी का कोई भी मेंबर उठ के इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा सकता है, क्वेश्चन उठा सकता है, और उसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ ऑर्डर। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ ऑर्डर, यानी कि जब भी हाउस में कोई भी चीज एज पर दी रूल्स नहीं हो रही होगी तो कोई भी मेंबर उठ के पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर सकता है। क्लियर है? यूजुअली रेस्ड बाय दी अपोजिशन मेंबर, ये मैंने आपको समझा दिया, टू कंट्रोल दी गवर्नमेंट। कभी भी गवर्नमेंट का जो काम चल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, गवर्नमेंट अपनी सीमा से बाहर तो नहीं निकली, जो एग्जिस्टिंग रूलिंग पार्टी है उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहीं उल्लंघन तो ना कर रहे रूल्स का, तो ऐसी चीज को रोकने के लिए, कंट्रोल गवर्नमेंट पे लगाम लाने के लिए एनी मेंबर कैन रेस पॉइंट ऑफ ऑर्डर। इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस एंड सस्पेंड दी प्रोसीडिंग। अगर ये एक्सेप्ट हो गया तो उस प्रोसीडिंग को रोक दिया जाएगा उस तरीके से जिस तरीके से वो चल रही है, और उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। सो इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कोई डिबेट अलाउड नहीं है, बस पॉइंट ऑफ ऑर्डर कोई रेस करेगा और उसे अगर एक्सेप्ट कर लिया तो उसको रोका जाएगा, या जो भी प्रोसीडिंग के अगेंस्ट पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस किया है, क्वेश्चन रेस किया है, उसको रोक दिया जाएगा। ये एक रिमाइंडर है कि फॉलो दी रूल्स, काम रूल्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, इसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, इसकी सीमा से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर सीमा से बाहर हो रहा है तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस कर दिया जा सकता है। क्लियर है बात? फिर आता है हमारा हाफ एन आवर डिस्कशन। हाफ एन आवर डिस्कशन क्या होता है? मेंट फॉर डिस्कसिंग मैटर ऑफ सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ डिबेट। अब कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसपे बहुत डिबेट हो चुकी है, बहुत काफी सारी डिबेट हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसके निष्कर्ष पे हम नहीं पहुंच पा रहे, तो स्पेशल हाफ एन आवर डिस्कशन उसके ऊपर रखा जा सकता है। ये इसको बोलते हैं हाफ एन आवर डिस्कशन मोशन। क्लियर है? आंसर नीड्स इलस्ट्रेशन ऑन अ मैटर ऑफ द फैक्ट। तो किसी भी बिल डिस्कशन पे अगर हमें और स्पष्टीकरण चाहिए, और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? हाफ एन आवर डिस्कशन की डिमांड रख सकते हैं। क्लियर है बात? सो स्पीकर उस चीज को अलॉट कर सकता है हाफ एन आवर डिस्कशन को,
एनी 3 days इन अ वीक फॉर सच डिस्कशन. स्पीकर कोई से भी 3 दिन रख सकता है फॉर हाफ एन आवर डिस्कशंस. ये स्पीकर के पास प्रेरोगेटिव होता है, स्पीकर की पावर होती है कि वह हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए समय अलॉट कर सकता है किन्हीं 3 दिन में. क्लियर है बात? नो फॉर्मल मोशन और वोटिंग बिफोर द हाउस. कोई फॉर्मल मोशन नहीं है ये, इट इज़ अ टाइप ऑफ मोशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्कशन अनडाउटेडली, लेकिन इसको फॉर्मल तरीके से नहीं है, फॉर्मल नहीं है और नहीं इसके ऊपर वोटिंग होती है. क्यों? क्योंकि ये उसी टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है जिस टॉपिक पे सफिशिएंट डिस्कशन पहले से हो चुका है. ये एक एक्स्ट्रा आधा घंटा हो रहा है कि भैया हमें अब डिसाइड करना है, तो हाफ एन आवर डिस्कशन वी कैन कैरी ऑन. क्लियर है बात? सो दिस वॉज हाफ एन आवर डिस्कशन. फिर आता है इससे और बड़ा, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, ऑल्सो नोन एज 2 hour डिस्कशन. ये वो क्या था? वो था हाफ एन आवर डिस्कशन, आधे घंटे की बहस. और ये क्या है? डिस्कशन. और ये है हमारा 2 hour डिस्कशन. 2 घंटे हमें चर्चा करनी है और किसी टॉपिक पे, सो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन. मेंट टू रेज डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस. और जो स्पीकर है उसके लिए 2 दिन इन अ वीक फॉर सच डिस्कशन रख सकता है. स्पीकर 2 दिन ऐसे डिस्कशंस के लिए रख सकता है जहाँ पे शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन या फिर आप बोलेंगे 2 hour डिस्कशन किसी टॉपिक पे अगर करना है, किसी टॉप इशू पे करना है, तो उसके लिए ये वाला शॉर्ट टर्म डिस्कशन पास किया जाएगा. ये भी फॉर्मल मोशन नहीं है और इस पर वोटिंग भी नहीं होंगे. अनडाउटेडली ये सब एक मोशन है लेकिन फॉर्मल मोशन नहीं है. तो ये समझना कि भैया फॉर्मली इसका प्रोसेस नहीं है मोशन का, लेकिन ये एक टाइप का डिस्कशन का प्रपोजल तो है ही, डिस्कशन के लिए बात करने का प्रपोजल तो है ही, इसलिए टाइप ऑफ मोशन ज़रूर है. हालांकि इस पर किसी भी प्रकार की वोटिंग नहीं होती, इसलिए इसको फॉर्मल मोशन नहीं बोला जाता है. जनरली क्या होता है, हमारे मोशन पे वोटिंग होती है लेकिन इस पर वोटिंग ज़रूरी नहीं है, होती नहीं है, तो फिर इसको हम फॉर्मल मोशन की तरह ट्रीट नहीं करते हैं. क्लियर है? तो समझ में आया, हाफ एन आवर डिस्कशन और 2 hour डिस्कशन, 2 हमारे और डिस्कशन के पैटर्न है. स्पेशल मेंशन. सो स्पेशल मेंशन क्या होता है? स्पेशल मेंशन वो डिवाइस है जो किसी मैटर को जो हम जनरल डिस्कशन में हम किसी भी मोशन के थ्रू ना ला पाए, हम किसी भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के थ्रू नहीं ला पाए, हम शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन डिस्कशन में नहीं कर पाए, हम हाफ एन आवर डिस्कशन में नहीं कर पाए, ऐसा मैटर जो कहीं भी किसी तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए हम हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, तो उसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं बाय द मेथड कॉल्ड एज स्पेशल मेंशन. सो अ मैटर विच इज नॉट अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर विच कैन नॉट बी रेज्ड ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर, हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, एडजर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन या फिर एनी रूल ऑफ द हाउस के थ्रू हम उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए हमारे हाउस में, तो हम किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसको? बाय स्पेशल मेंशन. स्पेशल मेंशन जो शब्द है ये हम जनरली यूज करते हैं राज्यसभा में. किस लिए करते हैं? राज्यसभा में, सॉरी कौन से हाउस में करते हैं? राज्यसभा में. हम इसे किस चीज नाम से जानते हैं? स्पेशल मेंशन. क्लियर है बात? और वहीं पे सेम जो डिवाइस है लोकसभा में, अगर लोकसभा की बात करें तो इसको बोलते हैं नोटिस मेंशन अंडर रूल 377, अंडर रूल 377. तो दोनों का मतलब एक ही है, बस राज्यसभा में जब ऐसा कोई मैटर इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसको हम किसी भी मोशन के थ्रू पास नहीं कर पाए हैं तो उसे बोला जाता है स्पेशल मेंशन. वहीं पे सेम टू सेम आइडेंटिकल जो इसका डिवाइस इन लोकसभा है उसे बोला जाता है नोटिस मेंशन अंडर रूल 377. अंडर रूल 377, 370 रूल के अंडर जो भी आपने नोटिस मेंशन दिया है उसका मतलब यही है कि वो स्पेशल मेंशन है. क्लियर है? मूविंग अहेड, अब आती है बात रेजोल्यूशन की. सो रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन इज अ काइंड ऑफ सब्सटेंटिव मोशन. सब्सटेंटिव मोशन हमने पढ़ा था, सब्सटेंटिव मोशन वो मोशन जो कॉन्क्रीट है, जिसमें कोई वैल्यू है, कोई इंपॉर्टेंट मैटर को हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं सब्सटेंटिव मोशन. तो रेजोल्यूशन भी एक टाइप का सब्सटेंटिव मोशन है, मतलब कोई कॉन्क्रीट अफेयर डिस्कस होगा, कोई कॉन्क्रीट आइटम यहाँ पर डिस्कस होगा. क्लियर है बात? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ड्रॉ द अटेंशन मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट. ये बात तो है कि मैटर कैसा होना चाहिए? जनरल पब्लिक इंटरेस्ट का होना चाहिए, तभी उसको रेजोल्यूशन उसके ऊपर पास किया जाएगा. क्लियर बात? वैसे भी सारी चीज़ें जनरल पब्लिक इंटरेस्ट की होंगी जब ही हम उसको पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे, पर्सनल किसी मंत्री से रिलेटेड बात को तो हम डिस्कस नहीं करेंगे. क्लियर बात? अ मेंबर हु मूव्ड अ रेजोल्यूशन और अमेंडमेंट टू अ रेजोल्यूशन कैन नॉट विदड्रॉ इट एक्सेप्ट बाय लीव ऑफ द हाउस. तो अगर एक बार रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हो गया है बाय एनी मेंबर और एनी मिनिस्टर,
तो उसको जब तक विड्रॉ नहीं किया जा सकता जब तक वो लीव ऑफ द हाउस को डिमांड नहीं करे। क्लियर? अब रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन एक टाइप का मोशन ही है, ये भी हमने देखा। रेजोल्यूशन इज अ टाइप ऑफ मोशन। कौन सा मोशन? सब्सटेंटिव मोशन, सिर्फ सब्सटेंटिव मोशन, दूसरा मोशन नहीं है। मोशन टोटल तीन कैटेगरी के होते थे, सब्सटेंटिव मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन और सब्सिडियरी मोशन। रेजोल्यूशन इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंटिव मोशन, ये हमें ध्यान रखना है। ये ओनली सब्सटेंटिव मोशन, सब्सिडियरी नहीं है, सब्सटिट्यूट नहीं है। लेकिन हम ऐसे बोल सकते हैं, एवरी रेजोल्यूशन इज अ मोशन, एवरी रेजोल्यूशन इज अ मोशन, बट एवरी मोशन इज नॉट अ रेजोल्यूशन। ये बात आती है समझ में? हर रेजोल्यूशन वुड बी अ मोशन, वुड बी अ टाइप ऑफ मोशन, क्योंकि वो क्या है? सब्सटेंटिव मोशन। लेकिन हर मोशन रेजोल्यूशन होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सब्सटीट्यूट मोशन और सब्सिडियरी मोशन रेजोल्यूशन नहीं होते हैं। क्लियर है? साथ ही साथ ऑल मोशंस आर नॉट नेसेसरली पुट टू वोट, सारे मोशन के ऊपर हम वोटिंग नहीं करते। जैसे अभी हमने पढ़ा था शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, हाफ एन आवर डिस्कशन, ये वोटिंग नहीं है, फॉर्मल मोशन की तरह पास नहीं होते। मोशन है पर फॉर्मल मोशन की तरह पास नहीं होते। सो दे आर नॉट नेसेसरली पुट टू वोट एवरी टाइम, इनको पुट टू वोट नहीं किया जाता है। लेकिन रेजोल्यूशन क्या है? सारे रेजोल्यूशन को पुट टू वोट किया जाएगा, क्योंकि ये सब्सटेंटिव मोशन है और सब्सटेंटिव मोशन को वोट पे डाला जाता है। इट हैज टू बी पुट ऑन दी वोट। क्लियर है? सो रेजोल्यूशन इज अ सब्सटेंटिव मोशन विच इज टू बी पुट ऑन वोट एंड इट इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंटिव मोशन। क्लियर है बात? कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन मैटर लाना है हमारे को, तो सब्सटेंटिव मोशन में वी कैन ब्रिंग इट इन द फॉर्म ऑफ रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन की भी तीन कैटेगरीज हैं, ब्रॉड तीन कैटेगरीज हैं, प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, स्टैचुरी रेजोल्यूशन। सो प्राइवेट मेंबर, अब तो आपको पता हो ही चुका है, इतनी बार हम प्राइवेट मेंबर, पब्लिक इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी रेजोल्यूशन जो प्राइवेट मेंबर लाया है, यानी फ्रॉम दी अपोजिशन पार्टी, तो जैसे फोटो में संजय सिंह जी हैं, ये आप पार्टी से हैं, तो ये लीडिंग पार्टी नहीं है गवर्नमेंट की सेंटर में, तो ये अपोजिशन पार्टी है। तो अगर ये कोई भी रेजोल्यूशन लाएंगे तो ये कहलाएगा प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन। वहीं पे अगर ये अमित शाह जी लेके आएंगे तो ये पार्टी के सदस्य हैं, रूलिंग पार्टी के सदस्य हैं, सरकार के मेंबर हैं, तो इसे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन बोला जाएगा या पब्लिक रेजोल्यूशन बोला जाएगा। सो मूव्ड बाय अ प्राइवेट मेंबर, और इसके लिए सिर्फ ऑल्टरनेट फ्राइडेज का समय रखा गया है हमारी हाउस में, और वो भी आफ्टरनून सेशन। वहीं पे जो गवर्नमेंट का बिल है, गवर्नमेंट का जो रेजोल्यूशन है, उसको मंडे से थर्सडे 4 दिन दिए गए हैं, जहां पे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन या पब्लिक रेजोल्यूशन आ सकता है, जो कि रूलिंग पार्टी के मेंबर देंगे या रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर इसको प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है बात? सीधी सी बात है, सरकार सत्ता में है तो इनको तो समय ज़्यादा देना है, प्राइवेट मेंबर सत्ता में नहीं है तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा समय इनको दे देंगे। तो इनके लिए एक ऑल्टरनेट फ्राइडे पे डे रखा गया है कि आपको जो भी रेजोल्यूशन पास करना है यू कैन डू इट ऑन ऑल्टरनेट फ्राइडेज, लेकिन इनके लिए मंडे से थर्सडे का समय फ्री है, उपलब्ध है। फिर आता है एक तीसरे टाइप का स्टैचुरी रेजोल्यूशन। सो मूव्ड ईदर बाय प्राइवेट मेंबर और मिनिस्टर, ये किसी भी कर सकता है, प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है तो भी स्टैचुरी रेजोल्यूशन हो सकता है, पब्लिक मेंबर या फिर गवर्नमेंट वाला आदमी भी कर सकता है और उसको तो भी स्टैचुरी रेजोल्यूशन बोल सकते हैं। कब बोलेंगे किसी रेजोल्यूशन को स्टैचुरी रेजोल्यूशन? जब वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे को के मुद्दे को डिस्कस करेगा, ठीक है? सो केबीबी कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर और एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के किसी भी एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन से रिलेटेड अगर कोई रेजोल्यूशन है तो उसे बोलेंगे हम स्टैचुरी रेजोल्यूशन। इट कैन बी पास्ड बाय बोथ अ प्राइवेट मेंबर एज वेल एज फ्रॉम द मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट और अ मिनिस्टर। मतलब ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, बट अगर ये किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे डिस्कशन हो रहा है या एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट पे डिस्कशन हो रहा है या लॉ ऑफ द पार्लियामेंट पे कोई डिस्कशन हो रहा है तो इट वुड बी टर्म्ड एज स्टैचुरी रेजोल्यूशन। क्लियर है? ठीक है, मतलब ये समझ में आ रहा है, ये पब्लिक इंपॉर्टेंस की अगर कोई डिस्कशन हो रही है, रेजोल्यूशन हो रही है इंपॉर्टेंट मैटर की, तो प्राइवेट वाला प्राइवेट और पब्लिक वाला पब्लिक, गवर्नमेंट वाला आ जाएगा। लेकिन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की अगर बात हो रही है, सपोज करो प्रेसिडेंट के मैटर से कोई रिलेशन पे बात हो रही है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड बात हो गई तो फिर वो कहलाएगा स्टैचुरी रेजोल्यूशन। फिर आती है हमारी यूथ पार्लियामेंट। अब यूथ पार्लियामेंट क्या है? यूथ पार्लियामेंट एक डिवाइस है
जिसको बनाया गया टू एडुकेट द यूथ, मतलब बेसिकली इसका कंसेप्ट क्या है, हमारी जो युवा जनता है उसको पार्लियामेंट की नोहाव देने के लिए, नोहाव पार्लियामेंट के बारे में बताने के लिए, डेमोक्रेसी के बारे में बताने में सिखाने के लिए एक सेटअप किया गया जिसे बोला गया यूथ पार्लियामेंट। ये जो सेटअप है ये क्यों हुआ, ये हुआ आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द फोर्थ ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस। फोर्थ ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस, सो आपके दिमाग में होना चाहिए किससे हुआ, फोर्थ ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसकी रिकमेंडेशन दी गई और फिर उसके बाद इसका यूथ पार्लियामेंट का सेटअप किया। इस यूथ पार्लियामेंट में जैसा मैंने आपको बताया क्या पर्पस होता है इस यूथ पार्लियामेंट का, तो इसके ये तीन मुख्य पर्पस हैं, मेक यूथ फैमिलियर विद द प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स ऑफ द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के तौर तरीकों से वाकिफ कराना यूथ को, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, या नए नए नेता क्रिएट करना इसका ऑब्जेक्टिव है, क्लियर है। इम्बाइब द स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन इन द माइंड्स ऑफ द यूथ, तो डिसिप्लिन और टॉलरेंस की भावना हमारे यूथ में जागरूक करना, डालना इसका पर्पस है। सिमिलरली तीसरा, इनकलकेट बेसिक वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी इन स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट यूथ जो है उनमें डेमोक्रेसी का मतलब, डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस इसको समझाना इस यूथ पार्लियामेंट का पर्पस है। और इसमें हेल्प कौन करता है स्टेट को, हेल्प कौन करता है स्टेट को, सो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हर स्टेट को मदद करती है टू सेटअप सच डिवाइसेस, अपनी स्टेट में ऐसे डिवाइसेस सेटअप करने के लिए जहाँ के थ्रू हम यूथ की, हमारे यूथ की, आज की युवा को डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंस बता सकें, पार्लियामेंट के तौर तरीके बता सकें, क्लियर है। सो यूथ पार्लियामेंट समझ में आया क्या हुआ, देखे होंगे आपने भी काफ़ी सारे लौंडे घूमते हैं यूथ पार्लियामेंट, आजकल ज्ञानबाजी करते हैं। सो दैट वॉज यूथ पार्लियामेंट। आगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, अब लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट का क्या मतलब है कि अगर हमारे को कोई लेजिस्लेशन लाना है हमारे पार्लियामेंट में तो किस तरीके से लाया जाएगा, हमें कोई बिल पास करना है पार्लियामेंट में तो किस तरीके से पास किया जाएगा, तो इसके ऊपर अब हम डिस्कशन चालू करते हैं। सो सबसे पहले तो बिल होता क्या है, तो बिल क्या है, बिल इज द फॉर्मल प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, जैसे मोशन था प्रपोजल फॉर डिस्कशन, काहे के लिए था मोशन, मोशन वॉज द प्रपोजल फॉर डिस्कशन कि हमें चर्चा करनी है पार्लियामेंट में तो वी नीड टू पास एन मोशन। सिमिलरली अगर हमें कोई कानून बनाना है, हमें कोई एक्ट बनाना है तो हमें क्या पास करना पड़ेगा, हमें पास करना पड़ेगा बिल। सो इट इज द फॉर्मल प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन दैट नीड टू बी इंट्रोड्यूस डिस्कस डिबेटेड एंड वोटेड ऑन, तो जब इसको इंट्रोड्यूस करेंगे हम तो इस पर इंट्रोडक्शन तो होगा ही होगा लेकिन इसके ऊपर फिर डिस्कशन भी होगा, क्योंकि बिल में क्या है, क्या क्लॉजेज हैं, किस तरीके से हम इसको देख रहे हैं, क्या देश का फायदा होगा, किस तरीके से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा, एक्स वाई जी एवरीथिंग जो भी उस बिल के अंदर मेंशन है या जो भी उस बिल से अफेक्ट होगा उसके ऊपर डिस्कशन होगा। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर डिस्कशन, तीसरा वोटिंग, डिबेटेड, डिस्कशन डिबेटेड एंड फिर वोटिंग होगी इसके ऊपर कि फाइनली ये बिल एक्सेप्ट किया जाता है या ये बिल रिजेक्ट किया जाता है, कैसे होगा वो अभी हम सब जानेंगे। पर अभी अभी मोटा क्या है कि अपने को बिल, अगर कोई भी कानून बनाना है, कोई भी एक्ट लाना है, तो उसके लिए सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसके ऊपर चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा, डिस्कशन डिबेट होगी और फाइनली उसको वोटिंग करी जाएगी इन दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। और जब वोटिंग हो जाती है तो उसको बिल बन जाता है एक्ट, और एक्ट के बाद ये चढ़ जाता है आपकी स्टैचरी बुक्स में, आपकी स्टैचरी बुक्स में, लीगल बुक्स में चढ़ जाता है कि भैया ये कानून बन चुका है, ये बिल पास हो चुका है, क्लियर है, नाउ इट इज अ लॉ, सो ड्यूली इनेक्टेड बाय द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। अब बिल्स दो टाइप के हैं वापस, पब्लिक बिल्स और प्राइवेट बिल, तो ऑन द बेसिस ऑफ हु इज इंट्रोड्यूसिंग इट, तो पब्लिक प्राइवेट तो बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है हर चीज में अपने को, अब तो समझ में आ गया। पब्लिक बिल जो सरकार का आदमी है अगर वो कर रहा है, कोई मिनिस्टर कर रहा है इंट्रोड्यूस, तो वो कहलाएगा पब्लिक बिल। वहीं पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बट ही इज नॉट अ मेंबर, ही इज नॉट अ मिनिस्टर, अगर वो बिल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो इट विल बी कॉल्ड एज अ प्राइवेट बिल, क्लियर है, मिनिस्टर मेंबर, ये हो गया। चलो इसको और डिटेल में देख लेते हैं भाई, वैसे कोई देखने का खास मतलब है नहीं पर फिर भी देख लेते हैं। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर, इंट्रोड्यूस्ड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन अ मिनिस्टर, क्लियर है ये बात, तो मिनिस्टर मेंबर अदर देन अ मिनिस्टर। रिफ्लेक्ट्स पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि ये मिनिस्टर लॉन्च कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है, जो कि गवर्नमेंट है,
तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में ही तो कानून लाएगा। कानून ला रहा मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज होगी उसी के ऊपर कानून लाने की कोशिश कर रहा है, तो इट रिफ्लेक्ट्स द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन क्योंकि ये वाले आदमी सरकार नहीं है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं बैठे, ये सरकार नहीं है जो रूल कर रही है, तो अगर इनको लाना है तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली, ये क्या बताते हैं, रिफ्लेक्ट स्टैंड ऑफ द अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी कुछ ऐसा चाहती है, कानून ऐसा कानून चाहती है, इसके लिए वो प्राइवेट बिल लेके आता है। इसकी मान्यता बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कानून कौन बनाएगा, जो सरकार है, जो एग्जिस्टिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, तो वो इनके स्टैंड को तो बिल्कुल पास नहीं होने देंगे। अगर इनके स्टैंडर्ड इसके स्टैंड को पास होने देंगे तो ऑब्वियसली बात है मतलब ये सरकार इस अपोजिशन पार्टी को हम वैल्यू दे रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल एक डिवाइस है हमारे पार्लियामेंट में कि अपोजिशन पार्टी का कोई स्टैंड है तो उसके ऊपर भी कानून बनाया जा सकता है। क्लियर है? ग्रेटर चांसेस टू बी अप्रूव्ड बाय दी पार्लियामेंट, लेसर चांसेस टू बी अप्रूव्ड बाय दी पार्लियामेंट, वही बात आ गई। इसके चांसेस ग्रेटर हैं क्योंकि सरकार इन एग्जिस्टेंस है और हमारी पार्टी की पॉलिसीज को हम इनेक्ट कर रहे हैं, एक एक्ट में उतार रहे हैं, तो इट हैज दी ग्रेटर चांस, हमारे पास मेजॉरिटी है। और सारी चीजें एट द एंड डिसाइड किससे होती है, मेजॉरिटी से, वोटिंग से, क्योंकि ये बिल कानून कब बनेगा, जब इसके ऊपर वोटिंग होगी। और यहां पे क्या होगा, यहां पे भले ही इनका स्टैंड है लेकिन ये पास क्यों नहीं हो पाएगा, इंट्रोड्यूस तो ये कर सकते हैं लेकिन ये पास क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पे जो वोटिंग होगी वो इनके अगेंस्ट होगी, क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो इसके पास होने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, कोई मिरेकुलस ही स्टैंड लिया है, ये कुछ एकदम कीर्तिमान ही कर दिया उन्होंने, यार वाह क्या बात कह दी, ऐसा हो जाए तो बात हो सकती है कि भैया इसको पास कर दिया जाए, अदरवाइज इट हैज गॉट वेरी लेस चांस टू बी पास्ड। इंट्रोडक्शन रिक्वायर 7 days नोटिस, इसको चाहिए 1 महीने का नोटिस, 30 दिन का नोटिस, कितने दिन का, 30 दिन का नोटिस, इसको चाहिए 7 दिन का नोटिस। सीधी सी बात है, ये सरकार है, ये सरकार नहीं है, ये बेकार है। ड्राफ्टिंग बाय कंसर्न डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद द लॉ डिपार्टमेंट। अब सरकार है, आप एग्जिस्टेंस में, आप पावर में है, तो ऑब्वियसली बात है इस पूरे एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट आपके साथ होंगे, सारे डिपार्टमेंट आपके साथ होंगे, तो अगर इसकी ड्राफ्टिंग करनी है तो आपके पास यू हैव टू मच ऑफ हेल्प। यहाँ पे ये बेचारे गरीब हैं, ये बेकार हैं, इनके पास सरकार नहीं है, तो ये इनकी खुद की हेडेक है, खुद की माथापोड़ी है कि भैया सारी ड्राफ्टिंग आपको करनी है, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, सरकारी सपोर्ट। क्लियर है बात? फिर आते हैं रिजेक्शन बाय द हाउस में लीड टू द फॉल ऑफ गवर्नमेंट, और रिजेक्शन बाय द हाउस में नॉट लीड टू डू नॉट लीड टू द फॉल ऑफ द गवर्नमेंट। अब सीधी सी सिंपल सी बात है, रिजेक्शन अगर इस बिल का हो गया, इस बिल का हो गया, इसका मतलब कि मेजॉरिटी लूज कर रहे हैं ये लोग, कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं हाउस का ये लोग, क्योंकि सत्ता में सरकार है और इन्हीं का बिल पास नहीं हो पा रहा, ये तो खुद ही मेजॉरिटी में बैठे हैं। अगर मेजॉरिटी वाले लोग का बिल पास नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लोचा है, कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है, तो ये मे रिजल्ट इन दी फॉल ऑफ गवर्नमेंट। हालांकि ऐसा इससे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि तो पहली सरकार में ही नहीं है, तो इनकी सरकार गिरने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, सो अब बिल की अगर हम बात करें तो बिल को हम 4 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। जितने भी बिल हैं, अभी हमने क्या बोला, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर समझ में आया हमारे को कि किस तरीके से काम होगा, प्राइवेट बिल पब्लिक बिल क्या होता है, अब हम करेंगे एक्चुअल में बिल कौन कौन से टाइप के होते हैं। कैटेगरी तो दो ही है, या तो प्राइवेट हो सकता है या फिर पब्लिक हो सकता है, लेकिन अब उसके अंदर कौन कौन से टाइप के बिल होते हैं, तो 4 टाइप के बिल हैं हमारे, दैट इज ऑर्डनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करे, बदलाव करे, आर्टिकल 368 की जो पावर है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहलाएगा। ऑर्डिनरी बिल सारे बिल जो कि मनी बिल नहीं है, जिसमें पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, रुपये से लेन देन नहीं है, तो वो ऑर्डिनरी बिल हो जाएगा। वहीं पे मनी बिल क्या है, कंसर्न्ड विद फाइनेंशियल मैटर मेंशन्ड इन आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 में जो भी फाइनेंशियल मैटर हैं, अभी छोटा छोटा बता रहा हूँ, डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ हल्का सी ब्रीफिंग दे रहा हूँ। तो कोई भी मैटर जो आर्टिकल 110 में मेंशन्ड है of the constitution, deals with money, deals with financial matter, will be a money bill, और ये article 110 के अलावा जितने भी financial matter हैं वो हो जाएंगे financial bill में। इन दोनों को मिला के आप financial bill भी बोल सकते हो, क्योंकि ये part of financial bill ही है, but this is restricted to article 110 only,
और ये आर्टिकल 110 के अलावा बाकी जितने भी फाइनेंशियल बिल्स हैं, फाइनेंशियल मैटर है, वो फाइनेंशियल बिल में आएंगे। तो क्लियर है, चार टाइप के बिल, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब हम देख लेते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर फॉर ऑर्डिनरी बिल। किसी ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए जो पांच स्टेजेस हैं वो किस तरीके से काम करती है। अगर हमारे को कोई ऑर्डिनरी बिल पास कराना है तो किस किस स्टेप से उसको गुजरना पड़ेगा हमारे पार्लियामेंट में। तो सबसे पहली स्टेज होती है इंट्रोडक्शन स्टेज। सो इट इज इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस बाय अ मिनिस्टर और एनी मेंबर। तो इसको पब्लिक बिल भी बोल सकते हैं या प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है, मतलब मिनिस्टर भी कर सकता है और नॉन मिनिस्टर मेंबर ऑफ जनरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कर सकता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस, इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ऑल्सो, इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा ऑल्सो। लोकसभा में भी हो सकता है और राज्यसभा में भी हो सकता है। इंट्रोडक्शन स्टेज पे क्या होता है, ओनली टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव्स आर रीडेड, नो डिस्कशन ऑन द बिल। सो जब इनिशियल स्टेज होती है, जो इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है, उसमें सिर्फ मेंबर या जो भी मिनिस्टर होता है जो इस बिल को इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो सिर्फ उसका टाइटल और ऑब्जेक्टिव बताता है। किसी भी प्रकार का विचार विमर्श नहीं होता, किसी भी प्रकार का डिस्कशन डिबेट नहीं होती इस पे इन द इंट्रोडक्शन स्टेज। अभी सिर्फ आपको अवगत कराया जा रहा है कि भाई साहब हम क्या ला रहे हैं, हम कृषि कानून ला रहे हैं या हम GST कानून ला रहे हैं। सिर्फ आपको इतना सा बताया जाएगा और उसके ऑब्जेक्टिव बताए जाएंगे, इससे हम क्या चाह रहे हैं, डिस्कशन नहीं होगा। लेकिन इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए लीव ऑफ द हाउस की रिक्वायरमेंट है, लीव ऑफ द हाउस की रिक्वायरमेंट है, वो पहले आपको डिमांड करनी पड़ेगी। जब लीव ऑफ द हाउस मिल जाएगी तभी आप इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप ऐसे नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते। वंस इट हैज बीन इंट्रोड्यूस, इसको गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया जाता है। सो गजेट ऑफ इंडिया क्या है, गजेट ऑफ इंडिया इज द ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कोई भी चीज़ जो हमारी सरकारी किताबों में हमें चढ़ानी है और ऑफिशियली उसको रिलीज़ करना है, पब्लिकेशन देना है, तो वो किसके थ्रू होगी, गजेट ऑफ इंडिया। तो कोई भी बिल जिस पे इंट्रोडक्शन हुआ उसको हम लिख देंगे कि इस बिल पे अब हमें आगे कंसिडरेशन करना है, दिस बिल हैज़ बीन टेकन एज इंट्रोड्यूस इन दी गजेट ऑफ इंडिया, गजेट ऑफ इंडिया में हमने चढ़ा दिया इसको। क्लियर है बात। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर ये डायरेक्टली गजेट ऑफ इंडिया में हो जाता है विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर, गजेट ऑफ इंडिया में कोई भी बिल चढ़ जाता है डायरेक्टली इन द सेंस विदाउट इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन हुआ नहीं, पहले ही स्पीकर ने गजेट ऑफ इंडिया में चढ़वा दिया परमिशन के साथ, इसको गजेट ऑफ इंडिया में चढ़वा दिया, सरकारी किताबों में चढ़वा दिया, पब्लिकेशन में, तो उसको फिर लीव ऑफ द हाउस की जरूरत नहीं है, उसको फिर लीव ऑफ द हाउस की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था इंट्रोड्यूस करने के लिए लीव ऑफ द हाउस की जरूरत है। लीव ऑफ द हाउस कब जरूरत है, फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, जब आप बिल के बारे में बताएंगे, बिल से अवगत कराएंगे, तब आपको लीव ऑफ द हाउस की जरूरत है, और उसके बाद उसको गजेट ऑफ इंडिया में हम पब्लिकेशन में डाल देते हैं। लेकिन अगर ये डायरेक्टली गजेट ऑफ इंडिया में चढ़ गया, डायरेक्टली गजेट ऑफ इंडिया में इसको डाल दिया गया, तो फिर हमें जरूरत ही नहीं है लीव ऑफ द हाउस की, क्योंकि इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। हमें इंट्रोडक्शन करना है तो लीव ऑफ द हाउस चाहिए ना, हमें इंट्रोडक्शन करना ही नहीं है, हमें डायरेक्टली गजेट ऑफ इंडिया में चढ़ा दिया, तो फिर हमें लीव ऑफ द हाउस की जरूरत नहीं है। क्लियर है। सो दिस वॉज फर्स्ट रीडिंग। फिर आता है हमारा सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में होता है डिटेल्ड स्क्रूटनी होगी, जैसे लिखा हुआ है डिटेल्ड स्क्रूटनी, पूरी तरीके से जांच पड़ताल होगी। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है ये इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पासिंग ऑफ अ बिल, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसमें डिटेल स्क्रूटनी होगी। बिल अज्यूम्स इट्स फाइनल शेप, बिल को फाइनली किस तरीके से पास किया जाएगा या वोटिंग पे डाला जाएगा उसका फाइनल शेप यहाँ पे क्रिएट कर दिया जाएगा। इसकी भी तीन सब स्टेजेस हैं जो सेकंड रीडिंग को कंट्रीब्यूट करती हैं। तो तीन सब स्टेजेस क्या हैं, ये चल क्या रही है हमारी सेकंड रीडिंग ही चल रही है। फर्स्ट रीडिंग में तो सिर्फ इंट्रोड्यूस किया और फिर हमने गजेट में चढ़ा दिया। सेकंड क्या है, इंपॉर्टेंट स्टेज है जहाँ पे बिल को फाइनल शेप देना है, फाइनल शेप देना है कि इसको इस तरीके से पास किया जाएगा। तो इसकी तीन स्टेज है। स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, सबसे पहला क्या है, स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, कि बिल अब कंसिडरेशन में ले लिया गया है, अब इस पर हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। सो डिस्कशन क्या है, इसमें भी सिर्फ जनरल प्रोविजन डिस्कस होते हैं अभी भी डिटेल डिस्कशन नहीं होता, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन नहीं होता, सिर्फ अभी जनरल डिस्कशन होता है। ये सबसे पहला पार्ट आपको ध्यान रखना है सेकेंड रीडिंग में।
इसके बाद जब हाउस में डिस्कशन हो गया, जनरल डिस्कशन हो गया कि भैया हम ये बिल लाना चाह रहे हैं, हम इसके ऊपर कानून बनाना चाह रहे हैं, हमें ये डिमांड है, हमें ये करना है, जनरल डिस्कशन हो गया, ब्रीफ डिस्कशन, डिटेल नहीं हुआ। उसके बाद हाउस के पास चार ऑप्शन रहते हैं कि हाउस इसके साथ क्या क्या कर सकता है। तो हाउस सबसे पहले तो क्या कर सकता है, इमीडिएटली कंसिडरेशन में ले ले इसको कि भैया हाँ भाई ये बिल ठीक है, अब हाउस चर्चा करे इस पर, डिटेल डिस्कशन करे। अभी डिटेल नहीं था ना, अभी जनरल था, अब इसको डिटेल डिस्कशन के लिए हमने ले लिया, इसको कंसिडरेशन में हमने ले लिया। तो पहला ऑप्शन तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि मैं किसी सिलेक्ट कमेटी के पास इसको भेज दूँ, जो इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेटी जो हमारी बनी हुई है, पार्लियामेंट्री कमेटी, उनके पास भेज दूँ और वो इसका डिटेल डिस्कशन करें, वो इसका डिटेल स्क्रूटनी करें, स्टेप बाय स्टेप, क्लॉज बाय क्लॉज, एक एक चीज नुआंस इसको पकड़े, तो वो हो सकता है। समझ में आई बात? सबसे पहला कि मैंने खुद ही हाउस में रख लिया जहां ओरिजिनेट हुआ और हाथों हाथ इस पे चर्चा करवा दी, तो पहला केस ही हो गया। दूसरा केस, मैंने सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया, जो भी रिलेटेड कमेटी थी उसके पास भेज दिया कि भाई साहब इस बिल के जांच पड़ताल करो, पूरे डिटेल में इसे कानून पढ़ो, इसकी डिटेल लो, नुआंसेस लो, बारीकियों को मेजर करो, क्लॉज बाय क्लॉज। तीसरा होता है कि मैं जॉइंट कमेटी में भेज दूँ। पहला तो क्या, सिलेक्ट कमेटी में, सिलेक्ट कमेटी में कौन लोग होते हैं, जिस हाउस में बिल हुआ रेज है उसी हाउस की कमेटी, उसी हाउस की कमेटी जो बनाई हुई है उसके पास भेजना। जॉइंट कमेटी में क्या होगा, जॉइंट कमेटी में दोनों हाउस के मेंबर होंगे, राज्यसभा लोकसभा दोनों हाउस के मेंबर होंगे और वो कमेटी इस बिल की नुआंसेस को पढ़ेगी, ठीक है, बोथ दी हाउसेस, बोथ हाउसेस, तो जॉइंट कमेटी। तीसरा, सर्कुलेट द बिल टू एलिसिट पब्लिक ओपिनियन। तीसरा ये है कि भैया जनता की राय ले लो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जनता के लिए डाल दो, जनता अपनी राय दे देगी कि इस बिल को लाना है या नहीं लाना है। पर ऐसा नहीं होता क्योंकि सरकार बना रखी है और सरकार चाहती नहीं कि हमारी इतनी खिल्ली उड़े कि हम एक डिसीजन नहीं ले पा रहे और हम जनता में कर रहे हैं, पर रेयर चांसेस है, हो सकता है, अवेलेबल है डिवाइस, क्लियर है। चारों में मतलब क्या है, चारों में मतलब ये है कि हल्का सा डिस्कशन होने के बाद हम इसका डिटेल डिस्कशन चाह रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं, हम इसका डिटेल्ड डिस्कशन चाह रहे हैं या डिटेल्ड स्क्रूटनी चाह रहे हैं। अब डिटेल्ड स्क्रूटनी करने के पास हमारे पास चार ऑप्शन है। सबसे पहला कि हम खुद कर लें, हाथों हाथ इमीडिएटली कर लें, या फिर कोई भी डेट पे तय कर लें कि हाउस इसके ऊपर चर्चा करेगा, पहला ये हो सकता है। दूसरा, किसी कमेटी को भेज दिया हमने, सिलेक्ट कमेटी बनाई या बनी हुई है उसके पास हमने ये बिल भेज दिया कि आप इसको ऊपर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक इसको पूरा एग्जामिन कर लो, क्लॉज बाय क्लॉज। तीसरा, जॉइंट कमेटी बनी हुई है जो यहाँ बनाई हमने, विच इज इंक्लूसिव ऑफ दी जॉइंट राज्यसभा मेंबर एज वेल एज दी लोकसभा मेंबर, उनके पास भेज दिया, काम वही कर रहे हैं, स्क्रूटनी, डिटेल्ड स्क्रूटनी। या फिर चौथा, पब्लिक ओपिनियन के लिए पब्लिक स्क्रूटनी करे और पब्लिक अपनी राय दे दे इसके ऊपर, क्लियर है। हमारे देश में वैसे भी पब्लिक स्क्रूटनी अवेलेबल नहीं है क्योंकि इतने समझदार लोग हैं नहीं, अभी लिटरेसी लेवल इतना हाई है नहीं, और दूसरा बहुत ज़्यादा लोग हैं तो एक क्लियर तरीके से हम रिजल्ट नहीं ला पाएंगे, इसलिए हम हमारे पास ऊपर के तीन ही ऑप्शन लेते हैं। और उसमें भी सबसे पहले क्या होता है, हम कमिटीज़ के पास भेज देते। सबसे इजी तरीका क्या है, कमिटीज़ के पास भेज दो क्योंकि वो एक्सपर्ट है अपनी फील्ड के। कमेटी में कौन लोग होते हैं, जो उससे रिलेटेड होते हैं, तो वो उसको बहुत अच्छे तरीके से स्क्रूटनाइज कर देंगे और फिर बाद में ये वापस हम आके डिस्कस कर लेंगे। तो जनरली तो इट हैज टू बी ट्रांसफर्ड, इट गेट्स ट्रांसफर्ड टू दी सिलेक्ट कमिटीज और जॉइंट कमिटीज। फिर आता है हमारा तीसरा, फिर दूसरी स्टेज इन सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग ही चल रही है, सेकंड रीडिंग में दूसरी स्टेज, मैंने आपको बताया था सेकंड रीडिंग में कितनी स्टेज है, तीन स्टेज है। सो क्लोज बाय क्लोज एग्जामिनेशन बाय सिलेक्ट और जॉइंट कमेटी। अब जॉइंट कमेटी या सिलेक्ट कमेटी के पास जो बिल चला गया, जो ये प्रपोजल चला गया, तो वो उसको डिटेल स्क्रूटनी करेंगे, उसके एक एक नुआंसेस पे फोकस करेंगे, एक एक बारीकी को देखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इट कैन अमेंड इट्स प्रोविजन, और कमेटी के पास क्या पावर है कि वो इसमें अमेंडमेंट भी कर सकती है, इसमें कुछ बदलाव भी कर सकती है, रिकमेंड कर सकती है बदलाव को। सो इट कैन अमेंड दी प्रोविजंस आफ्टर स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट दी बिल बैक टू दी हाउस। जब कमेटी ने सब कर लिया, कमेटी ने सारी चीज़ें बारीकी से देख ली, सब कुछ जांच पड़ताल कर ली, सब समझ में आ गया, अच्छा बुरा सब देख लिया, वो वापस किसके पास भेज देगी, हाउस के पास, कि भैया हमारे तरफ से बिल एकदम पास्ड है, हमने देख लिया, सब कुछ कर लिया, कुछ अमेंडमेंट करने थे वो हमने आपको भेज दिए हैं, ये अमेंडमेंट हो सकते हैं, क्लियर है बात। सो दिस इज दी सेकेंड स्टेज इन सेकेंड रीडिंग, सेकेंड रीडिंग की सेकेंड स्टेज। देन कम्स दी थर्ड स्टेज इन दी सेकेंड रीडिंग, सेकेंड रीडिंग की थर्ड स्टेज।
सो क्लॉज बाय क्लॉज एग्जामिनेशन डिस्कशन एंड वोटिंग बाय द हाउस अमेंडमेंट कैन बी प्रपोज्ड। अब ये बिल आ जाएगा हाउस के अंदर। अब क्या आ जाएगा हाउस के अंदर, तो हाउस के अंदर जो भी डिस्कशन होना है डिटेल डिस्कशन आफ्टर द कमिटी रिपोर्ट्स होगा, और उसके अंदर अगर कुछ अमेंडमेंट करने हैं तो वो प्रपोज करेंगे, और अमेंडमेंट हो गए तो वो बिल का पार्ट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बिल का पार्ट बन जाएंगे। क्लियर है बात? अगर वो अमेंडमेंट एक्सेप्ट हो गए तो वो बिल का पार्ट बन जाएंगे। तो फाइनल शेप ले लिया बिल ने, जैसा हमें पता था सेकंड रीड में मेन काम क्या होगा, इंपॉर्टेंट स्टेज है, जो फाइनल शेप होगा बिल का वो ले लिया जाएगा इन दी सेकंड रीडिंग। तो यही हुआ कि हमें जो भी करना था हमने स्क्रूटनी कर दी, हमने डिटेल में पढ़ लिया, एक एक बारीकी देख ली, अब ये बिल तैयार है, कोई अमेंडमेंट थे वो हो गए, अब ये बिल तैयार है, इसका फाइनल शक्ल ऐसी तैयार है कि ये बिल पास होगा तो इस तरीके से होगा, और इसको अब वोटिंग पे डाल दिया जाएगा। सो दिस वॉज सेकेंड रीडिंग। अब आते हैं आपकी थर्ड रीडिंग में। सो थर्ड रीडिंग का था डिबेट लिमिटेड टू द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द हाउस। अब इसमें क्या है, बिल का फाइनल शेप हो गया, बिल किस तरीके से लॉ बनेगा ये तय हो चुका है, जो भी अमेंडमेंट करने थे बाय द कमिटी एंड बाय द हाउस वो कर लिए गए हैं, एक्सेप्ट हो गए हैं तो वो कर लिए गए, बिल में पार्ट ले लिया है उन्होंने। तो अब जो स्टेज है वो सिर्फ वोटिंग की स्टेज है, वो सिर्फ उस पर क्या होगा, सिर्फ हमारी वोटिंग की बात होगी और कोई नहीं होगी, मतलब एक्सेप्टेंस होगा या रिजेक्शन होगा, या तो उसको आप मान लोगे या उसको आप रिजेक्ट कर लोगे, दो ही केस हो सकते हैं। ठीक है, इस वाली स्टेज में कोई अमेंडमेंट अलाउड नहीं है, क्योंकि सारे अमेंडमेंट कौन सी स्टेज में हो गए, सेकंड स्टेज में हो गए या सेकंड रीडिंग में हो गए। ठीक है, तो थर्ड में आपके जाके आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रांसमिटेड टू दी अदर हाउस आफ्टर ऑथेंटिकेटेड बाय दी प्रिसाइडिंग ऑफिसर। फिर जब वंस इट हैज बीन एक्सेप्टेड तो इसको दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा एक्सेप्टेंस के लिए, इट हैज बीन रिजेक्टेड तो बात ही खत्म हो गई, पहले हाउस में रिजेक्ट हो गया तो ये बात ही खत्म हो गई, और फिर इसको अगर और एक्सेप्ट हो गया एक हाउस में, फर्स्ट हाउस में एक्सेप्ट हो गया तो इसको सेकेंड हाउस भेज दिया जाएगा। क्लियर है बात? तो थर्ड रीडिंग थर्ड स्टेज समझ में आ गई, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है हाउस को, ये स्टेज होगी, किसी भी प्रकार के अमेंडमेंट नहीं होंगे, और अगर एक्सेप्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया तो बात ही खत्म, अगर एक्सेप्ट हो गया तो अब इसको दूसरे हाउस में, दूसरे घर में भेजो, यानी कि अपर हाउस में भेजो, अगर लोकसभा से हुआ है और राज्यसभा से हुआ है तो इसको लोकसभा से। क्लियर है बात? फिर आते हैं हम बिल इन दी सेकंड हाउस। ये कहा गया बिल इन दी सेकंड हाउस, तो सेकंड हाउस में क्या होता है, वही सिस्टम है सारा, फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग, यही कि यही जो हमने प्रोसेस अभी फर्स्ट हाउस के लिए पढ़ा, फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग इंट्रोडक्शन, सेकंड रीडिंग डिटेल स्क्रूटनी बाय द कमिटीज, और थर्ड रीडिंग में हमारा डिटेल स्क्रूटनी बाय द कमिटीज, और फिर हाउस में डिस्कशन, और फिर थर्ड में क्या है, थर्ड में पुट टू वोट एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो यही काम इधर भी होगा, सेम टू सेम वही का वही काम इधर होगा। उसके बाद चार ऑप्शन है सेकंड हाउस के पास, ये सारा कार्यक्रम करने के बाद चार ऑप्शन है बिल इन दी सेकंड हाउस। सबसे पहले पास दी बिल विदाउट दी अमेंडमेंट, ये सबसे प्यारा, अगर कोई भी अमेंडमेंट के बिना आप पास कर देते हो बिल को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो वापिस चल जाएगा, पास्ट दोनों हाउस से पास हो गया। पास दी बिल विद अमेंडमेंट, कुछ अमेंडमेंट आपने करे कि भाई यार मुझे ये अमेंडमेंट हैं करने हैं, तो ये आप रिकमेंड कर दोगे, कोई भी अमेंडमेंट होंगे तो क्या कर देंगे, आप रिकमेंड कर देंगे कि भैया ये रिकमेंडेशन हम चाहते हैं। क्लियर है? इफ एक्सेप्टेड तो बढ़िया है, रिटर्न टू फर्स्ट हाउस फॉर रिकंसिडरेशन, कि भैया फर्स्ट हाउस के पास हुए, अब वो एक्सेप्ट कर लेते तो वेल एंड गुड, बिल में वो आ जाएगा। अगर नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो क्रिएट हो जाएगा डेडलॉक, क्योंकि बाध्य नहीं है। तो अगर सपोज करो लोकसभा से बिल निकला, राज्यसभा में गया पास होने, राज्यसभा ने कुछ अमेंडमेंट करे, बोले रेकमेंड करे कि भैया ये अमेंडमेंट करो, लेकिन लोकसभा ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, लोकसभा ने बोला नहीं भाई साहब आप गलत बोल रहे हैं, हमने पास कर दिया, हमारी सरकार हमारी इच्छाओं की जैसे करेंगे, ये गलत है हम नहीं कर रहे, तो क्या हो जाएगा, डेडलॉक हो जाएगा, हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच पाए, इसका मतलब है डेडलॉक, हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच पाए। डेडलॉक के केस में क्या होता है, जैसा आपको पता है जॉइंट सिटिंग क्या होती है, जॉइंट सिटिंग होती है, ठीक है, वो कैसे होती है, क्या होती है, कौन सा आर्टिकल करता है, वो सब अभी अपन देख रहे हैं। लेकिन अभी के लिए क्या है, अगर सेकेंड हाउस ने कुछ अमेंडमेंट्स भेजे हैं और उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया है तो इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ डेडलॉक। ठीक है, फिर इफ दी बिल इज रिजेक्टेड बाय दी सेकेंड हाउस तो बिल रिजेक्ट ही कर देता है तो भी डेडलॉक हो जाएगा, क्योंकि एक हाउस ने पास कर दिया दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया तो डेडलॉक हो गया।
तीसरा केस, कीप द बिल पेंडिंग फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने तक कोई जवाब नहीं आया और बिल अपनी जेब में डाल के बैठा है दूसरा हाउस, तो भी क्या हो जाएगा, डेडलॉक हो जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा, डेडलॉक हो जाएगा। तो 3 सिचुएशन में डेडलॉक हो सकता है, अगर दूसरे हाउस ने रिकमेंडेशन भेजे अमेंडमेंट के लिए और वो अमेंडमेंट फर्स्ट हाउस ने एक्सेप्ट नहीं किए तो डेडलॉक। दूसरा केस, जब सेकंड हाउस ने बिल एक्सेप्ट ही नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया कि भैया ये बिल तो फर्जी है, इसको रिजेक्ट करो, तो भी डेडलॉक। तीसरे केस में जब उन्होंने बिल पे कोई एक्शन ही नहीं लिया, वो रख के बैठ गए कि यार कोई मतलब नहीं है हमारे को इस बिल से, इस बिल को रख लो, तो भी डेडलॉक। तो हर केस में जब भी डेडलॉक होगा तो इसका सलूशन होगा जॉइंट सिटिंग से, जॉइंट सिटिंग से, ठीक है, क्या होगा, जॉइंट सिटिंग से इसका रिजल्ट निकलेगा। जॉइंट सिटिंग मतलब दोनों हाउस को हम बुलाएंगे और इसको समन कौन करेगा, ये पावर रहती है हमारे प्रेसिडेंट साहब के साथ कि भैया जॉइंट सिटिंग बुलाओ और इसके निष्कर्ष पे पहुंचो। तो अब आते हैं हम डेडलॉक को रिजोल्व करने की बात। तो आर्टिकल 108 हमारे को प्रोविजन देता है कि आप जब भी कोई डेडलॉक हो जाता है तो आप उसके लिए जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। 108 इमरजेंसी, 108 एम्बुलेंस का नंबर होता है, इमरजेंसी सिचुएशन। तो वही मान लो कि बिल अटक गया, बिल क्लियर नहीं हो पा रहा, तो उसको हमें आर्टिकल 108 के थ्रू पास कराना पड़ेगा। सो डेडलॉक में क्या होता है, टू रिजॉल्व द डेडलॉक प्रेसिडेंट समन्स अ जॉइंट सिटिंग, प्रेसिडेंट समन्स अ जॉइंट सिटिंग इफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द जॉइंट अप्रूव्स द बिल डीम्स टू पास, क्लियर है। सो क्या होगा, 108 आर्टिकल के थ्रू जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी बाय द प्रेसिडेंट, समन कौन करेगा, प्रेसिडेंट साहब करेंगे। और इसको आपको जैसा पता है, इसको जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करता है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये नहीं होता तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, और वो भी नहीं होता तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कभी भी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कभी भी प्रिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस, वो हाउस का मेंबर नहीं होता, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आर कंट्री, जिसकी एक्स ऑफिशियल पोजिशन होती है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो कभी भी जॉइंट सिटिंग होगी तो मेंबर ऑफ द हाउस ही प्रिसाइड करेगा, इसलिए या तो स्पीकर करेगा, स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर करेगा, और डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। अगर इस डेडलॉक में मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर एक्सेप्ट कर लेते हैं बिल को तो बिल पास, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं बिल को तो बिल रिजेक्ट, क्लियर है। दोनों हाउस के मेंबर मिलाए और दोनों हाउस के मेंबर से जो मेजॉरिटी निकली उसका जो डिसीजन है, एक्सेप्ट है तो एक्सेप्टेड, रिजेक्ट है तो रिजेक्टेड। बस एक बात यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे लोकसभा का पलड़ा भारी रहता है, जनरली लोकसभा का पलड़ा ज़्यादा भारी रहता है, क्योंकि लोकसभा में 545 मेंबर है और इधर 250 मेंबर है, तो मेन जनता किसकी है, लोकसभा की, और लोकसभा में ही रूलिंग गवर्नमेंट बैठी है, तो रूलिंग गवर्नमेंट के पास अपने आप में मेजॉरिटी, और वो लोकसभा के मेंबर हैं, लोकसभा में बैठे हैं, और लोकसभा की जनता भी ज़्यादा, तो ऑब्वियस ही बात है पलड़ा मेजॉरिटी किसके पास होगी, लोकसभा के लोगों के पास, क्लियर है। तो लोकसभा का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहता है इधर, क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। पर प्रोविजन क्या है कि कभी भी कोई मैटर अगर अटक जाता है, कोई भी बिल अगर अटक जाता है दो हाउसेस के बीच में, कोई डेडलॉक अराइज हो जाता है, तो आर्टिकल 108 के थ्रू प्रेसिडेंट साहब बुलाएंगे जॉइंट सेशन। जॉइंट सिटिंग में क्या होगा, जॉइंट सिटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि बिल पास हो रहा है, अगर मेजॉरिटी हाँ करती है बिल को तो पास हो जाएगा, और मेजॉरिटी ना करती है तो बिल ना हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और मेजॉरिटी जनरली पलड़ा किसका रहता है, लोकसभा के लोगों का रहता है, लोकसभा के मेंबर्स का रहता है, क्लियर है, सिंपल, कोई ज्यादा बीमारी नहीं। वंस बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेस, फिर जाता है ये बिल किसके पास, प्रेसिडेंट साहब के पास। तो एक बार जब बिल पास हो गया दोनों हाथ से, रिजेक्ट हो गई तो कहानी खत्म हो गई, उसको भूल जाओ, अगर रिजेक्ट हो गया जॉइंट सिटिंग में तो कहानी खत्म, आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन एक्सेप्ट हो जाता है दोनों हाउसेस में तो फिर ये जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट अंकल के पास। प्रेसिडेंट अंकल क्या करते हैं, प्रेसिडेंट अंकल इसको साइन करते हैं। तो आप देखेंगे प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर है, बिल भी एक्ट कब बनेगा, जब उस पर प्रेसिडेंट के साइन होंगे, ये तो खैर मेरे, पर प्रेसिडेंट के साइन होंगे तब वो बिल एक्ट बनेगा, अदरवाइज वो बिल का बिल ही रह जाएगा, बिल में चल जाएगा, ठीक है। सो 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्या ऑल्टरनेटिव है, सबसे पहला गिव असेंट, बिल बन गया एक्ट, एक्ट के बाद चला गया स्टैट्यूट बुक में। वंस द एक्ट हैज बीन डिजाइंड, या एक्ट बन चुका है
तो उसको हम कहाँ चढ़ा देंगे, स्टैट्यूट बुक में पढ़ा देंगे और ये लीगल एक्ट बन जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहला ऑप्शन तो क्या है प्रेसिडेंट के पास कि भाई साहब बिल को साइन कर दो, असेंट दे दो, अपनी मंजूरी दे दो और वो कानून बन जाए। दूसरा ऑप्शन है विथहोल्ड असेंट, बिल एंड्स, अपनी मंजूरी न दो, रिजेक्ट कर दो और बिल को नाश कर दो, बिल को ख़त्म कर दो, तो ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या है कि कोई रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, अगर कोई अमेंडमेंट उनको चाहिए या कोई बदलाव चाहिए उनको तो वो रिकमेंड कर देंगे वापस कि भैया इस बिल में ये बदलाव आप वापस करके दो, फिर मैं अपनी असेंट दूंगा। हाँ, ये है कि रिकंसिडरेशन के बाद जब वो जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि उस रिकंसिडरेशन को माना जाए। इफ बिल पास बाय द पार्लियामेंट अगेन विद और विदाउट अमेंडमेंट, प्रेजिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट, बिल एक्ट बन जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हाउस उसको एक्सेप्ट करे, वो वापस प्रेसिडेंट के पास भेज सकती है विद और विदाउट अमेंडमेंट, एक्सेप्ट कर भी सकती है और एक्सेप्ट नहीं भी कर सकती है। और एक बार जब वापस रिकंसिडरेशन के पास आ गया, रिकंसिडरेशन के पास के बाद वापस बिल प्रेसिडेंट के पास आ गया तो अब प्रेसिडेंट को अपने साइन देने ही पड़ेंगे, प्रेसिडेंट को अपने साइन देने ही पड़ेंगे, ये मजबूरी हो जाती है प्रेसिडेंट की। इसका मतलब क्या है, प्रेसिडेंट सिर्फ एक बार ही रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, सस्पेंड ही कर सकता है बिल को, इसलिए इसके पास सिर्फ सस्पेंसिव वीटो की पावर है इन केस ऑफ बिल। सस्पेंसिव वीटो यानी कि आपने बिल को वापस भेजा विद और विदाउट रिकमेंडेशन, विद रिकमेंडेशन, और उस रिकमेंडेशन को हमारे हाउस अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो भी वो वापस भेज सकते हैं प्रेसिडेंट के पास। और एक बार जब वापस प्रेसिडेंट के पास बिल आ जाता है विद और विदाउट अमेंडमेंट तो उसको प्रेसिडेंट को पास करना ही पड़ेगा, फिर मना नहीं कर सकता। क्लियर है बात? तो इस केस में इसको क्या बोलते हैं, सस्पेंसिव वीटो। सो ये था हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के पांचों स्टेज हो गई असेंट टू दी प्रेसिडेंट। एक बार हल्की सी ब्रीफिंग ले लें, फर्स्ट स्टेज इंट्रोडक्शन स्टेज, सबसे पहले सिर्फ आप बिल को इंट्रोड्यूस करोगे, सेकंड स्टेज में आप इसको कमिटीज़ के पास भेजोगे, जॉइंट कमिटीज या सिलेक्ट कमिटीज जो डिटेल स्क्रूटनी करेंगे, फिर हाउस के पास आएगा डिटेल डिस्कशन के लिए, थर्ड स्टेज में ये वोट पे जाएगा एक्सेप्टेड या नहीं, फोर्थ स्टेज में ये दूसरे हाउस के पास जाएगा और फिफ्थ स्टेज में ये प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए जाएगा। बस इतनी सी इसमें कहानी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यही सेम प्रोसेस अब हम मनी बिल के बारे में पढ़ेंगे कि मनी बिल को कैसे लाया जाता है, वो अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। अगर टॉपिक समझ में आया हो सो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।